हेलो फ्रेंड्स सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वीमो। और इससे पहले नहीं, इससे पहले से पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी डेटा कंप्रेशन में। उसमें मैं बात कर रहा था आपसे गेम रिपैक्ड गेम्स का साइज़ इतना कम क्यों होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑडियो साइज़ क्वालिटी को कम कर दिया जाता है, साथ ही साथ और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से साइज़ जो कम हो जाता है। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था ऑडियो क्वालिटी में वहाँ बिट रेट्स को कम किया जाता है, और मैंने वहाँ बताया था अगर आपको बिट रेट्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिट रेट के बारे में। इनफैक्ट मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा ऑडियो क्वालिटी के बारे में, जो डिजिटल क्वालिटी जो आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं अपने डिजिटल डिवाइसेज में, उस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, सैम्पल रेट, बिट डेप्थ और आपके सैम्पल रेटिंग, सभी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें साउंड की, तो साउंड में हम बिट रेट के बारे में हम बात करें, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा साउंड के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, साउंड जो है किसी भी वाइब्रेटिंग चीज़ जो होती है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही हो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करना है तो बहुत सिंपल है। बोलते वक्त बस अपने यहाँ पर वोकल कॉर्ड पर टच करके देखिए, जब आप साउंड निकालते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करता है। तो इससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वाइब्रेटिंग जो होती है डिवाइस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तभी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो कि आप आमतौर पर साउंड के बारे में आप फ्रीक्वेंसी के आमना सामना आपका होता होगा। तो इस वीडियो में अभी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट करती है तब जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वीडियो जो ऑब्जेक्ट होती है उसके वाइब्रेशन से। तो यहाँ पर अब बात आती है वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, कितनी वाइब्रेशन करनी होती है उस डिवाइस को या उस ऑब्जेक्ट को जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ, ऑब्जेक्ट कितनी भी किसी भी तरीके से वाइब्रेट कर रही हो, कितनी भी वाइब्रेट कर रही हो, कम कर रही हो, ज़्यादा कर रही हो, साउंड तो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी मैंने आपसे यहाँ पर बात की थोड़ी देर पहले, अभी बोला मैंने जस्ट कि थोड़ी वाइब्रेट कर रही हो या कम वाइब्रेट कर रही हो, तो यहाँ पर बात आती है एक स्पेसिफिक मेजरमेंट की कि ये जो वाइब्रेशन है उसे मेजर किस तरीके से किया जाए। तो इसे मेजर किया जाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन से मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाइब्रेशन, जो मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अब ये वाइब्रेशन करेगा तो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पर वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन तब माना जाएगा, ये एक यहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ से यहाँ यहाँ और वापस अपनी मेन पोजीशन पे पहुँच जाएगा, तब जो है उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का ये जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके के कितने वाइब्रेशन एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट करती है जिससे साउंड निकल रही है, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी उस साउंड की। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बात हो गई। और मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन ईयर्स जो हमारे कान हैं वो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो 20 बार 1 मिनट 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट करे, वहाँ से लेकर एक ऑब्जेक्ट जो कि 20,000 बार वाइब्रेट कर रही है 1 सेकेंड में, वहाँ तक के उन ऑब्जेक्ट से निकली हुई साउंड को हम सुन सकते हैं। खैर थोड़े बहुत कैपेबिलिटी में 19-20 होता है, क्योंकि हर इंसान बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं सुनता, कोई ज़्यादा सुनता है, कोई कम सुनता है। तो यहाँ पर एवरेज की अगर बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड या हियरिंग साउंड है उसे हम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्रिक्वेंसी की। अब बात करते हैं आगे सैम्पल रेट के बारे में, जो कि अगर आप कभी प्रॉपर्टीज़ में गए हो किसी भी ऑडियो डिवाइस की, ऑडियो फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ आपको सैम्पल रेट देखने को मिलता है। तो ये सैम्पल रेट क्या होता है, तो इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो साउंड हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी अपने डिजिटल डिवाइस में, तो वहाँ पर जो है साउंड रिकॉर्ड करते वक्त 1 सेकेंड में, मतलब एक साइकिल को पूरा करने के लिए, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए एक साइकिल जो एक पॉजिटिव होती है और एक नीचे नेगेटिव होती है, तो वो जो साइकिल हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे डिवाइस जो डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम अपनी साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो एक साइकिल को रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर कुछ आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाता है हमारा डिवाइस। ये यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा जो साउंड थी वो इतनी थी, इस पॉइंट पर इतनी, इस पॉइंट पर इतनी, इस पर इतनी, इस पर इतनी, इस पर इतनी, इतनी इतनी, ऐसे कर करके वो एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर
एक साइकिल वहां पर हम लेके चल रहे हैं, एक पूरे कंप्लीट एक सेकंड लेके चल रहे हैं, तो वहां एक सेकंड में जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उन पॉइंट्स की, उसे कहेंगे सैंपल रेट, यानी किस रेट से जो है वो हमारे आवाज, यानी हमारे जो आवाज है उसके सैंपल को कैप्चर कर रहा है। उस सैंपल के कैप्चर करने का, जितनी ज्यादा तेजी से वो सैंपल कैप्चर करेगा उतनी ज्यादा डेंस वहां पर जो है सैंपल रेट्स होंगे, और जितने ज़्यादा डेंस सैंपल रेट्स होंगे उतनी ज़्यादा सैंपल रेटिंग होगी, यानी सैंपल रेट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, और इससे जो है वॉइस क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा सैंपल रेट्स होंगे उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आवाज़ होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो यहाँ पर एक कंसिडरेबल एक बेटर जो साउंड जो सैंपल होती है, सैंपल रेट जो होती है साउंड कैप्चरिंग, वो मानी जाती है 44.1 किलोहर्ट्स। फ्रेंड्स, ये बात हो गई सैंपल रेट की, आई होप आपको सैंपल रेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं बिट रेट की। बिट रेट से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा बिट डेप्थ के बारे में। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइसेस में, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और ये भी आपको पता है कि डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं वो कोई भी डेटा हो, कोई मतलब नहीं कैसा भी डेटा हो, वो उसे बस स्टोर करता है सिर्फ दो बिट्स में, यानी दो डिजिट्स में, जो कि होते हैं 0 और 1। मैं आपको बता दूं, ये जो दो डिजिट्स होती हैं उन्हें बिट्स कहा जाता है, और इन्हें 0 और 1 की फॉर्म में जो है इसे स्टोर किया जाता है। अब बिट डेप्थ की बात करें तो यहाँ बिट डेप्थ आप प्रॉपर्टीज़ में आपको बिट डेप्थ नाम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 42 बिट्स, सॉरी 24 बिट्स का जो ऑप्शन होता है, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन ऑप्शंस का, ये जो बिट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट, तो इन बिट्स का मतलब क्या है, इस बारे में बात करें तो यहाँ मैंने आपसे पहले बात करी थी सैंपल रेट के बारे में, यानी जो आवाज़ है उसकी सैंपल लेती है जगह जगह पे, कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे से साउंड कैसी थी, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे कितनी थी कितनी थी। तो ये जो सैंपल रेट्स लेती हैं, तो पॉइंट जगह जगह पर सैंपल के रेट सैंपल्स जो लिए जाते हैं हमारी वॉइस के, तो वो सैंपल्स लिए जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। अब 0 और 1 की फॉर्म में लिए जाते हैं, तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो 0 और 1 की जो डिजिट कितनी लंबी बनाकर ये जो हमारा डिवाइस है वो उस सैंपल को सेव करेगा। तो यहाँ पर जो है 0 और 1 की एक लंबी कतार के फॉर्म में जो है आपके सैंपल को सेव किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 8 बिट का अगर आपका म्यूज़िक होगा या 8 बिट का कोई भी ऑडियो फाइल होगी, तो वहाँ जो 0 और 1 की सीरियल होगा आपके सैंपल, एक सैंपल में वो होगा 8 डिजिट का, यानी 8 बिट्स का। अगर 16 डिजिट, 16 बिट का अगर आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ऑडियो की, तो वहाँ पर जो है सैंपल जो आपके ऑडियो का सैंपल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ आपको जो सैंपल मिलेगा वो मिलेगा 16 डिजिट के 0 और 1 में, सीरियल में 0 और 1 जो है वो 16 डिजिट्स होंगी पूरी कुल मिला के। और 24 बिट और 32 बिट में भी सेम है, जो सैंपल रेट में जो सैंपल आपको देखने के मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 24 डिजिट्स और 32 डिजिट्स। इस तरीके से जो है सैंपल बिट डेप्थ को आप समझ सकते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके पास 0 और 1 की सीरीज़ होगी उतनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर के पास, आपके डिवाइस के पास, आपके वॉइस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से जो आपकी डिवाइस का जो है आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, और जितने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करके वो सेव करेगा उसी उतने ही अच्छे बेटर क्वालिटी में आपकी साउंड रिकॉर्ड होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे 8 बिट्स में तो जो आवाज़ है वो थोड़ी कम अच्छी सुनाई देगी, अगर आप बढ़िया रिकॉर्ड करेंगे तो जो और 8 बिट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो और अच्छी रिकॉर्ड होगी, 24 बिट में और अच्छी, और 32 बिट में भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड होगी। यानी कि जितने ज़्यादा लंबे डिजिट्स में जो है अगर आपके सैंपल्स सेव होंगे उतनी ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस के पास होगी, उतनी ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आपकी क्वालिटी आपके डिवाइस के पास होगी आपके वॉइस के बारे में, उतनी अच्छी तरीके से वो आपकी डिवाइस के में डिवाइस जो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है वो उतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो अब ये बात हो गई बिट डेप्थ के बारे में। अब फाइनली अब बात आती है बिट रेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें बिट रेट के बारे में, तो आपने कभी गौर किया होगा ज़रूर, आप अगर आप कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं या कहीं स्ट्रीम करते हैं तो वहाँ आपको बिट रेट नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि 128 kbps बिट रेट वाला ये आपका ऑडियो है या म्यूज़िक है, 192 kbps की बिट रेट वाला है, या फिर 256 kbps की बिट रेट वाला है। तो ये जो बिट रेट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो है ये आपको 128 kbps, 256 kbps ये जो बिट रेट देखने को मिलता है, यहाँ जो kbps आपको देखने को मिलता है उसका मतलब वो होता है किलो बिट्स पर सेकंड। अब ऐसा नहीं है ये आपके इंटरनेट की स्पीड है या इस स्पीड से जो अगर आप म्यूज़िक डाउनलोड करेंगे तो इस स्पीड से आपका जो म्यूज़िक है वो डाउनलोड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको बताता है कि kbps यानी किलो बिट्स पर सेकेंड, अगर आपके पास 128 kbps का
म्यूजिक या फिर कोई भी ऑडियो फाइल है, तो वहाँ ये टर्म आपको दिखाता है कि 128 किलोबिट्स एक सेकंड की आपके ऑडियो फाइल में सेव्ड हैं, यानी एक सेकंड की ऑडियो में आपके पास 128 किलोबिट्स हैं, यानी 1,28,000 बिट्स आपके पास उस एक सेकंड के ऑडियो में है। और इस तरीके से अगर आपका ऑडियो बड़ा है तो वहाँ पर उस पर सेकंड के हिसाब से जो जो होते हैं आपका साइज़, उसी हिसाब से उसी पे डिपेंड करता है। यानी कि जितने ज़्यादा आपके पास सैम्पल रेट होगी, बिट डेप्थ होगी, यानी जितना ज़्यादा आपके पास बिट डेप्थ होगी उसी हिसाब से जो है उतना ज़्यादा लंबे एक डिजिट में, लंबे सीरियल नंबर में, 0 1 के सीरियल नंबर है आपका सैम्पल सेव होगा। और जितना बड़ा सीरियल नंबर होगा ऑब्वियसली उस सैंपल का उतना बड़ा साइज़ होगा, और जितना बड़ा साइज़ होगा तो एक सेकंड में भी उसका पूरे सैंपल का साइज़ बड़ा होगा। तो एक सेकंड में जितना साइज़ होता है उसी साइज़ के, जितना साइज़ एक सेकंड में आपको देखने को मिलता है वही आपको होता है बिट रेट, यानी 128 kbps वाले आपके ऑडियो फाइल में आपको देखने को मिले 128 किलोबिट्स एक सेकेंड के उस ऑडियो में। और अगर आप 256 kbps के ऑडियो को यूज़ कर रहे हैं तो एक सेकंड में आपको 256 kbps के 256 जो kbps है वो मतलब 256 किलोबिट्स आपको एक सेकंड के उस ऑडियो फाइल में देखने को मिलेंगे। अगर आपका है 192 kbps का तो वहाँ पर आपको 192 किलोबिट्स आपको एक सेकंड के ऑडियो फाइल्स में मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब बात हो गई आपके म्यूज़िक के, आपके ऑडियो फाइल्स के बारे में। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी, सैम्पल रेट के बारे में बात करी, बिट डेप्थ के बारे में बात करी और बिट रेट के बारे में बात करी। अब बात करते हैं चैनल्स के बारे में। यहाँ आपको ऑडियो प्रोफाइल्स में आपको देखने को मिलते हैं चैनल्स। तो यहाँ पर बात करें चैनल्स की तो यहाँ आपको काफ़ी टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यानी जैसे कि स्टीरियो, मोनो, 5.1, 7.1। तो इनका मतलब क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो मोनो, अगर आपका जो ऑडियो है सिर्फ एक चैनल में रिकॉर्ड किया गया है, यानी एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड किया गया है, तो यहाँ पर जो है आपके ऑडियो कहा जाएगा मोनो। लेकिन वहीं अगर आपको जो ऑडियो हो उसे रिकॉर्ड करा गया है दो चैनल्स में, तो आपका जो ऑडियो है वो कहलाएगा स्टीरियो। यानी फॉर एग्जांपल ये जो फ़र्क है आपको एक सिंगल स्पीकर में देखने को नहीं मिलेगा, और स्टीरियो और मोनो या फिर 5.1 या 7.1 में आपको ये जो डिफरेंस है सिंगल स्पीकर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ जो ट्राई किया, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कुछ म्यूज़िक में, अगर आप जो है म्यूज़िक सुन रहे हैं या ईयरफोन से या हेडफोन से अपने, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ म्यूज़िक जो है एक ही साइड पर एक ही कान में हमारे आवाज़ पहुँचाते हैं, दूसरे जो ईयरफोन होता है या दूसरा कोई हेडफोन होता है दूसरी साइड उसमें आवाज़ नहीं आती है। वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो फाइल है वो मोनो फाइल है, उसमें सिर्फ एक चैनल को रिकॉर्ड करा गया है, इस वजह से जो है सिर्फ एक ही चैनल में वो साउंड को सेंड कर रहा है। वहीं अगर बात करें स्टीरियो की तो वहाँ आपको दोनों साइड में आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, लेफ्ट और राइट दोनों ईयर्स जो हैं आपको म्यूज़िक सुनते हुए महसूस होंगे, यानी दोनों साइड में जो आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई मोनो और स्टीरियो की, लेकिन यहाँ पर 5.1 और 7.1 क्या होते हैं तो इस बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है टर्म, ये इस तरीके के 5.1 चैनल वाले या 7.1 चैनल वाले म्यूज़िक या ऑडियो तब यूज़ करा जाते हैं जब आपके पास है होम थिएटर, सराउंड साउंड्स का ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर 5.1 यानी 5+1 यानी पांच जो चैनल्स होते हैं वो आपके सराउंड साउंड्स के लिए होते हैं, यानी पांच स्पीकर अगर आपके चारों तरफ लगे हुए हैं तो उन पांच स्पीकर्स में जो 5 चैनल्स हैं वो वॉइस भेजेंगे, और बाकी का जो एक बचता है वो बचता है आपके सब वूफर के लिए, जो मेन होता है वहाँ पर सब वूफर के लिए एक बाकी चैनल बचता है। सेम के 7.1 के साथ होता है, अगर आपके पास सराउंड साउंड के लिए 7 स्पीकर है तो वहाँ 7 स्पीकर्स में आपको आवाज़ सुनने देगी, 7 चैनल्स में भेजी जाएगी वो 7 आवाज़ें, और जो एक चैनल बचेगा वो बचेगा सब वूफर के। तो आई होप आपको चैनल्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और जो रीपैक मैंने आपको बताया था कि ऑडियो क्वालिटी में बिट रेट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ऑब्वियसली बिट रेट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो बिट डेप्थ के साथ छेड़छाड़ होगी, बिट डेप्थ के साथ छेड़छाड़ होगी तो सैम्पल रेट के साथ छेड़छाड़ होगी, क्योंकि सैम्पल रेट के साथ छेड़छाड़ होगी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और बिट रेट सैम्पल रेट ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो है वॉइस क्वालिटी में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। खैर ये तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, आप चाहें तो वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं कंप्रेशन के बारे में, क्या मैंने उसमें बताया है GTA 5 जो 65 GB इसका गेम है, क्या वो 4 MB में कन्वर्ट हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है या नहीं, और किस तरीके से जो कंप्रेशन वर्क करता है इस बारे में मैंने आपको बताया। आप नीचे लिंक में जाके आप
देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर ऊपर यहाँ कार्ड्स में देख सकते तो हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिक टर्म्स होते हैं ऑडियो, डिजिटल ऑडियो से रिलेटेड, या जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वहाँ आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आगे से आप उन ऑप्शंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, या कुछ भी चीज़ मुझसे इस वीडियो में रह गई है, तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे ज़रूर दबाना मत भूलेगा। और साथ ही साथ आपको बगल में मिलेगा एक बेल आइकन, जिसे दबाने से होगा ये कि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।